ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्वेद से ज्योतिष के हल चैनल पर आपका स्वागत है। कन्या राशि अगस्त माह का राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों का 2018 का अगस्त माह कैसा रहने वाला हम जानने वाले। वैसे तो कन्या राशि का अगस्त माह शुभ फलदायक रहने वाला है, लेकिन प्रकृति का नियम यह है कि जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाए तब तक मन को शांति नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती कि ये कम है ये ज्यादा है, ये सुख है और ये दुख है, मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है और उसके जीवन में वैसा वैसा हो रहा है, और इसी कारण अपने आप को कम और ज्यादा आंकता रहता है और सुखी और दुखी समझता है, वास्तव में होता नहीं है। यह बात बहुत ध्यान देने वाली है कि व्यक्ति सुखी और दुखी समझता है, वास्तव में होता नहीं है। वह सिर्फ समझता है कि वह अमीर है और गरीब है, यही समझ उसके सब कॉन्शस में जाकर उसे घटित करती है। वह सोचता ऊपरी मन से है लेकिन अंतर मन में चली जाती, यही उसके वास्तव में दुखी होने का कारण है। वह अपने आप को कम समझकर कम हो जाता है, क्योंकि लाभ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार जो आप अपने को समझते हो वैसे ही हो जाते हो, जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। अतः अच्छा सोचें और अच्छा ही आकर्षित करें। ग्रह तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन आपको हर समय दो चॉइस देते हैं, दो रास्ते देते हैं, अच्छा और बुरा। आपकी चॉइस के अनुसार ही आपको उसके परिणाम प्राप्त होते हैं, अर्थात चयन करने का अधिकार अभी भी देवी देवताओं ने हमें दे रखा है, लेकिन हम अपनी अपनी प्रकृति, प्रोग्रामिंग, सामाजिक व्यवस्थाओं के फलस्वरूप बनी सोच के कारण ऐसा चयन कर लेते हैं कि वह दुख का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कन्या राशि में अगस्त माह में ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य सिंह राशि में वाय भाव में रहेंगे। मंगल और केतु पूरे माह मकर राशि में पंचम भाव में रहेंगे। बुध पूरे माह कर्क राशि में आय भाव में राहु के साथ रहेंगे। गुरु तुला राशि में धन भाव में और शुक्र कन्या राशि में लग्न में पूरे माह विराजमान रहेंगे। शनि धनु राशि में सुख भाव में पूरे माह रहेंगे। अब देख लेते हैं अगस्त माह में ग्रहों के प्रभाव कैसे रहेंगे। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में आय भाव में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि लग्न के स्वामी होने से उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हुए व्यवसाय में प्रचुर लाभ, सुख, प्रसिद्ध, शक्तिशाली एवं सम्मानित जीवन देने वाले हैं। आपके परिश्रम का फल निश्चित रूप से दिलाने वाले हैं। आय भाव में राहु भी होने से, वैसे तो यहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है, लेकिन राहु सप्तम भाव के स्वामी होने से एवं 17 अगस्त से सूर्य वाय भाव में चले जाने से राहु मित्र बुध के साथ अच्छे परिणाम देते हुए आय में वृद्धि, पत्नी द्वारा धन लाभ, संतान सुख देने वाला है, लेकिन फिर भी ग्रहण दोष बन रहा होने से सावधान रहने की आवश्यकता है। अतः सावधान रहें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए श्रावण मास में शिव जी की आराधना करें, मंत्र जाप करें। कन्या राशि में मंगल मकर राशि में पंचम भाव में स्थित होने से यहाँ उच्च का मंगल आपको धन, मान सम्मान, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी बनाएगा, लेकिन आप में साहस के साथ साथ उतावलापन भी होगा, जिससे यहाँ केतु के साथ होने से दुर्घटना की संभावना बन सकती है। अतः सावधान रहें। जल्दबाजी की बजाय संयम से काम ले, लेकिन फिर भी यहाँ मंगल आपको संतान सुख एवं भाई बहनों से सुखद वातावरण तैयार करते हुए आपको नौकरी प्राप्त करने में एवं व्यापार में सहायता प्रदान करेंगे, अर्थात जीविका उपार्जन में सहायक होंगे। अष्टम के स्वामी होने से दीर्घायु भी करेंगे, लेकिन अंगारक दोष के कारण मति भ्रम की स्थिति भी बना सकते हैं। अतः सावधान रहें, संयम रखें, किसी भी आवेश में नहीं बह जाएं, इस बात का ध्यान रखें। वैसे गुरु आय भाव में रहते हुए आपको धनवान बना रहे हैं, क्योंकि गुरु आपकी राशि में सुख भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं। इस अवधि में आपकी माताजी एवं ननिहाल के रिश्तेदारों से आपको धन लाभ,
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती, विद्या अर्जन एवं विद्या में उन्नति सफलता मिलेगी, आपका सुखद वैवाहिक जीवन रहेगा, लेकिन इस अवधि में एक से अधिक विवाह या प्रेम संबंध की संभावना भी बन सकती है, अतः सावधान रहकर ही कदम उठाएं, कहीं ये कदम आपके सुखद जीवन को कलुषित ना कर दे, अतः ध्यान रखें। हमारा काम तो आपको वर्तमान ग्रहों की सच्चाई से अवगत कराकर आगाह करना है, बाकी उसके परिणाम प्राप्त करना या मानना या नहीं मानना आपकी मनमर्जी और संयम पर निर्भर करता है। शुक्र लग्न में होने से जातक को धनी, बलशाली एवं प्रभावशाली ऐश्वर्य प्रेमी बना रहे हैं एवं परिवार में खुशियां और नौकरी में पदोन्नति दिला रहे हैं। वैसे भी जब भाग्य भाव का स्वामी लग्न भाव में होते हैं तो राजयोग कारक योग बनाते हैं और शुक्र यहाँ पर धनेश होकर भी आपको भाग्यवान धनवान बनाते हुए सुख समृद्धि प्रसिद्धि व्यक्तित्व विकास करते हुए सरकार से सम्मान प्रदान करा रहे हैं, आपको सुंदर लोकप्रिय और विद्वान बनाने के साथ साथ कंजूस भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर अगस्त माह कन्या राशि के लिए अच्छा रहने वाला है। लक्ष्य के प्रति गंभीरता एवं फोकस एवं थोड़े से प्रयास से आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगस्त में विशेषकर जब चंद्र और सूर्य के साथ राहु रहेंगे तो ये तारीखें हैं 11, 12, 13, 14, 15 एवं चंद्र वैभाव में 24, 25, 26 तक रहेंगे। फिर केतु के साथ चंद्र 29, 30, 31 तारीख को रहेंगे, अतः इन तारीखों का ध्यान रखें। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, कोई भी नया कार्य करते समय इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके कर्म उत्तम सदाचार पूर्ण और यदि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो आपको गुरु और शनि उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं, जिससे आपको कार्य व्यापार में उन्नति मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, सम्मानजनक स्थान पर पदोन्नति, समान स्थानांतरण होगा। अतः आप जो चाहते हैं वैसा प्रतिफल प्राप्त करने के लिए सावधानी रखकर कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए कोई ट्रेनिंग में भी भाग लेने के लिए गुरु मंगल एवं शुक्र इस माह अच्छे अवसर बना रहे हैं, जिससे आपकी स्किल एवं अपने आप पर विश्वास बढ़ेगा, जिससे दृढ़ विश्वास पूर्वक काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अतः मन की शांति के लिए 15 मिनट का ध्यान धारणा का अभ्यास करें। ध्यान में अपनी सांसों पर ध्यान रखें, यदि मन भटक रहा हो तो ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र का जाप करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। श्रावण मास में ऋण मोचन हेतु गन्ने के रस से या गुड़ के रस से शिव लिंगाभिषेक नित्य करें, क्षमा साधना करते रहें तो उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। अगस्त माह में इन अशुभ तारीखों का विशेष ध्यान रखकर सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है। ये तारीखें हैं 11, 12, 13, 14, 15 एवं 24, 25, 26 एवं 29, 30, 31। अतः दोस्तों कन्या राशि वालों का अगस्त माह उत्तम बनाना अब आपके हाथ में है। यदि उक्त तारीखों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे तो सब उत्तम होगा। अतः आप सभी के सहयोग एवं उत्साहवर्धन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। माता जी आप सभी पर कृपा करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट्स करें, ताकि आपके कमेंट्स के अनुसार मैं आपको और अधिक बेहतर तरीके से अच्छा बता सकूं। कुंडली के विश्लेषण में आपको आपके वह गुण और कर्म दिखाई देंगे जो आपको ही नहीं मालूम है, या आपको अपने गुण और कर्म मालूम तो हैं पर उन्हें करना है या नहीं करना है ये आपको पता नहीं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं, तो आपकी उन्नति डबल हो जाएगी। अतः कुंडली बनवाने और कुंडली विश्लेषण करने के लिए संपर्क करें। अतः इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और इसे शेयर भी करें, ताकि आपके शेयर करने से आपका परिचित भी लक्ष्मी कृपा से लाभान्वित हो सकेगा और आपको दुआ देगा, जिससे आपको डबल पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई
क्वेरी हो तो कमेंट्स करें या ईमेल करें या व्हाट्सएप करें। हमारे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 7509000476 और ईमेल आईडी नंबर है suryadayalguru6268@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों।